चैनल। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक लिक्विड लिपस्टिक का रिव्यू। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मैं आज लेकर आई हूँ फिजिशियन फॉर्मूला द हेल्दी लिप वेलवेट फिनिश लिप लिक्विड लिपस्टिक का रिव्यू। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऊपर टॉप एरिया में यहाँ पे आपको फिजिशियन फॉर्मूला, यहाँ पे आपको ब्रांड नेम मिल जाता है और यहाँ पे इसका नेम मिल जाता है द हेल्दी लिप वेलवेट फिनिश। यहाँ पे आपको पूरी लिखी हुई मिल जाती है और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, वेरी लग्जूरियस लुकिंग पैकेजिंग। और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की कुछ ग्लास टाइप ऑफ इसकी फिनिश है, बट ये ग्लास की नहीं है, ये थोड़ी फाइबर काइंड ऑफ इसकी पैकेजिंग है। और ऊपर टॉप में आपको कुछ इस तरीके की एक पैकेजिंग मिल जाती है, कुछ स्टील काइंड ऑफ इसका इफेक्ट आता है। और यहाँ पे पीछे में आपको शेड नेम मिल जाता है और इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। इसकी क्वांटिटी है 7 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट और इसकी नेम है बेयर विथ मी, इसकी शेड नेम है बेयर विथ मी। और इसकी प्राइस की बात अगर करें तो इसकी प्राइस है 650 रुपीज, जो कि अगर आप थोड़े से बजट के अंदर खरीदना चाहते हो तो थोड़ी आपको एक्सपेंसिव लग सकती है, पर ये भी आपको डिस्काउंट में हमेशा मिल जाता है ऑनलाइन। आपको अगर इसे मैंने मिंत्रा से बाय किया था और मिंत्रा में मुझे इसे मैंने इसे 40% डिस्काउंट में खरीदा था। आई थिंक 350 और 400 के करीब मैंने इसे खरीदा था, जो कि मेरे बजट के अंदर आ गया था। तो अगर आप लोग चाहें तो इसे सेल के दौरान ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसकी शेड पहले। तो आप पहले देखिए इसकी एप्लीकेटर, ये कुछ इस तरीके की एक एप्लीकेटर है। मुझे नहीं पता इसे कैसा एप्लीकेटर कहता है, पर ये कुछ इस तरीके की एप्लीकेटर है। आई होप यू कैन सी। इसको आपको अप्लाई करके कुछ इस तरीके से दिखा देती हूँ हैंड स्वाचेस। तो आप देखिए इसका शेड, दिस इज ब्यूटीफुल पीची ब्राउनी शेड, जो कि बहुत ही अच्छे से जाएगा फेयर टू मीडियम स्किन टोन में। आप इसका कलर देख सकते हो, इतना प्यारा शेड, OMG। पहले इसके शेड के लिए एक बिग थम्स अप। अगर आप कुछ इस तरीके के शेड अगर आप मतलब ढूंढ रहे हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इसका शेड है। आप न्यूड मेकअप अगर करते हो तो इसके उसके साथ ये शेड बहुत ही अच्छा जाएगा। आप इसे एवरीडे में भी यूज कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत शेड है एवरीडे के हिसाब से। तो बात कर लेते हैं इसकी टेक्सचर की। तो इसकी टेक्सचर बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत ही ज्यादा मतलब ये लिक्विड लिपस्टिक है मगर बहुत ही ज्यादा लिक्विड ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा मूज कंसिस्टेंसी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल क्रीमी काइंड ऑफ इसकी कंसिस्टेंसी है और ये ड्राई होने में टाइम लेता है। आई थिंक 2 मिनट आराम से ले लेता है ड्राई होने में, 1 से 2 मिनट तो आराम से लेता है ड्राई होने में, क्योंकि ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। ये स्मज प्रूफ नहीं है, ये वाटर प्रूफ नहीं, सॉरी मैंने गलत कहा, ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है और ये स्मज प्रूफ नहीं है। मतलब आप अगर इसे अप्लाई करते हो तो ये ट्रांसफर भी होता है और ये स्मज भी होता है। तो ये अगर आप लोग ट्रांसफर प्रूफ या फिर स्मज प्रूफ ढूंढ रहे हो तो ये उस टाइप की लिक्विड लिपस्टिक नहीं है, मगर आप लोग अगर कोई बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लिक्विड लिपस्टिक ढूंढ रहे हो जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप लोग इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये इतना ज्यादा इसका अच्छा इसका टेक्सचर है, इतना
ज्यादा ही कंफर्टेबल है आपके नीड्स में कि आपको जल्द इसे प्यार हो जाएगा। इतना ज्यादा मतलब अच्छा लिक्विड लिपस्टिक मैंने जितने बार भी कोई लिक्विड लिपस्टिक ट्राई किया है तो उसमें से ये मेरा बेस्ट एक एक्सपीरियंस रहा है लिक्विड लिपस्टिक के बारे में। और इसी के साथ आप अगर आप वेट एंड वाइल्ड लिक्विड लिपस्टिक ने सॉरी आपने अगर वेट एंड वाइल्ड लिक्विड लिपस्टिक अगर आपने ट्राई किया है तो आप उसे भी देखोगे वो भी आपके लिप्स को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करता और वो भी कंफर्टेबल है आपके लिप्स में, पर उससे ज्यादा ये कंफर्टेबल है और वो थोड़ा सा ड्राई होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर प्रूफ है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, बट ट्रांसफर प्रूफ है, बट ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है और ये ट्रांसफर होता है। और देखिए ये मैंने कब से लगा रखा है पर ये अभी भी ड्राई नहीं हुई है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी इसकी टेक्सचर है और मैं इसे देखिए स्मज करती हूँ तो ये स्मज भी हो जाता है। तो अगर आप लोग इससे अगर खुश हैं, अगर आप लोग ट्रांसफर प्रूफ ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, अगर आप एक कंफर्टेबल लिक्विड लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए जरूर एक अच्छा वर्क करेगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस लिपस्टिक को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसने किसने बाय किया और आप लोग का एक्सपीरियंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस।